इन दिनों मध्य प्रदेश के हरदा और खातेगांव क्षेत्र की नर्मदा नदी से भारी मात्रा में अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब मंत्री कमल सिंह पटेल ने खुद मैदान संभाल लिया है। इस मामले में उन्होंने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के न सिर्फ निर्देश जारी किए बल्कि मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले को दोपहर न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। आपको बता दें कि यहां नर्मदा नदी का सीना कोई और नहीं मध्य प्रदेश शासन के एक प्रभावशाली मंत्री का खास समर्थक अपना गौरव धंधा चला रहा है, जिसे न शासन का डर है और न ही प्रशासन का। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन उनके ही एक मंत्री अवैध रूप से मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाली खातेगांव तहसील की, जहां ग्राम पंचायत पुखाल के अंतर्गत आने वाले ग्राम सैयद की सीमा में अवैध रूप से जमकर रेत खनन हो रहा है। यहाँ एक दो ही नहीं बल्कि एक दर्जन पोकलेन मशीनों से नर्मदा नदी से रेत खनन किया जा रहा है, जिसमें एनजीटी के आदेशों की भी सरेआम धज्जियां उड़ रही है। यहाँ रेत निकालने वाला ठेकेदार कोई विश्वास परवानी बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार का कहना है कि वह मध्य प्रदेश के एक मंत्री का पार्टनर है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के लोग दिन रात अवैधानिक रूप से बिना रॉयल्टी चुकाए सैकड़ों ट्रक रेत यहां से इंदौर सहित अन्य स्थानों पर भेज रहे हैं। नियम तो 12 घनफीट का है, लेकिन 20 घनफीट तक यहां ट्रकों में रेत भरी जा रही है। कुछ दिनों पहले इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले की सीमा पर नाके लगाकर अवैध रेत की आवाजाही पर अंकुश लगाया था, लेकिन दो दिन के बाद में वे भी ठंडे पड़ गए क्योंकि ऊपर से दबाव जो आ गया था। यही नहीं, पोकलेन मशीन में चलाए जाने के कारण लगभग 800 नाविकों के परिवार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इन सभी को रेत निकालने से रोक दिया गया है। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि यह पूरा काम परम एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। यह लोग कभी विरोध करते हैं तो इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिलती है। इस मामले में अब खुद मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल भी रेत माफियाओं के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। जब उन्होंने सरेआम अपनी आंखों से भारी मात्रा में अवैध रेत खनन होते हुए देखा, तब उन्होंने इस मामले में प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। नगर घाट, धर्मपुरी घाट, जिकोली घाट और भूमिया घाट, अठाना घाट और ककरा घाट, इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए। वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किए, उसमें अवैध खनन और पंडुपी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलेन मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सअप करके और सूचना की थी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो, जब्त करो। लेकिन आज तक दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कमिश्नर जबलपुर कुल मिलाकर ग्राम तुरनाल, दहिया, चिचली सहित खातेगांव और हरदा क्षेत्र के अनेक इलाकों में अवैध खनन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि वे इस ओर स्वयं ध्यान देकर इस अवैधानिक कार्य को अभिलंब रुकवाए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अपने अधिकारियों को देवें।